दोस्तों भारतीय करेंसी यानी कि रुपए से अक्सर हमें शिकायत रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत बहुत ही कम है, जिस वजह से हम अपनी पसंदीदा जगहों पर जाने से पहले कई बार सोचते हैं। और इसी तरह अगर हम तुलना करें भारतीय रुपयों और अमेरिकन डॉलर की, तो आज एक डॉलर की कीमत भारत को 70 रुपये से भी ज़्यादा देकर चुकाने पड़ते हैं। और जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो डॉलर की कीमत आसमान छूकर 76 रुपयों से भी ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत की करेंसी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां पर भारतीय 1 रुपये की कीमत 1570 रुपये से भी ज़्यादा है। और दोस्तों इसी तरह से आज की इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं 10 देशों के करेंसी के बारे में जहां पर भारतीय रुपया आपको अमीर होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों लिस्ट में 10वें नंबर पर जो करेंसी है उसका नाम है कंबोडियन रियाल। दरअसल कंबोडिया अपने हरियाली और पुरानी सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर बात करें वहाँ के करेंसी के बारे में तो भारत का 1 रुपया करीब 53 कंबोडियन रियाल के बराबर है। और दोस्तों रियाल के इतने सस्ते होने का एक कारण यह भी है कि यह करेंसी वहाँ के लोकल लोगों में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिस वजह से काफ़ी कंबोडियन लेन देन के लिए US करेंसी यानी कि डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ वहाँ के लोकल करेंसी के वैल्यू को और भी ज़्यादा कम कर रही है। और इसी तरह से हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर जो करेंसी है उसका नाम है पराग्वर गुआरानी। दरअसल पराग्वे साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे गरीब देश है और यह देश सोयाबीन और कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि यह काम इस देश के लोगों की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, और इसीलिए पराग्वे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिससे कि इस देश की करेंसी भी काफ़ी वीक हो चुकी है। और भारतीय 1 रुपये को यहाँ के करीब 85 परागुअर गुआरानी से बदला जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया के 8वें सबसे कमज़ोर करेंसी के बारे में तो उसका नाम है लाओटियन कीप। दरअसल लाओटियन कीप लाओस देश की करेंसी है और यह देश साउथ ईस्ट एशिया में आती है, जिसकी राजधानी वियंतियाने है। और यह देश बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज और पहाड़ी इलाकों के लिए जाना जाता है। और बात करें अगर इस देश के करेंसी की तो भारत का 1 रुपया यहाँ के 116 लाओटियन कीप के बराबर है। और इस तरह से यह पूरी दुनिया की 8वीं सबसे कमज़ोर करेंसी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 1952 में जब इस करेंसी को लागू किया गया था तब से ही इसकी वैल्यू लगातार इम्प्रूव होती हुई ही आ रही है। और दोस्तों दुनिया की 7वीं सबसे कमज़ोर करेंसी है गिनियन फ्रैंक। दरअसल यह गिनी नाम के एक देश की करेंसी है जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक देश है और यहाँ की राजधानी है कॉन्क्री। हालांकि यह देश काफ़ी गरीब माना जाता है क्योंकि इस देश का ज़्यादातर पैसा कुछ गिने चुने लोगों के पास में ही है, और कहा जाता है कि यहाँ के 50% से भी ज़्यादा जनता को साफ पानी तक पीने को नहीं मिलता। और गरीबी की वजह से ही अगर बात करें इस देश के करेंसी की तो भारतीय 1 रुपये की वैल्यू 125 गिनियन फ्रैंक के बराबर है। और दोस्तों इसी तरह से 6ठी सबसे कमज़ोर करेंसी की अगर हम बात करें तो वो है सियेरा लियोनियन लियोन। दरअसल यह करेंसी सियेरा लियोन देश की मुद्रा है और पश्चिम अफ्रीका का यह देश सफ़ेद रेत वाली समुद्री तटों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, साथ ही हीरे, टाइटेनियम, बॉक्साइट और सोने जैसी कीमती उत्पादों के लिए भी यह जाना जाता है। लेकिन यहाँ के भी 60% से भी ज़्यादा लोग अपना जीवन गरीबी में बिता रहे हैं, और यही वजह है कि भारत का 1 रुपया यहाँ के 126 सियेरा लियोनियन लियोन के बराबर है। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें लिस्ट में 5वें नंबर की सबसे कमज़ोर करेंसी के बारे में तो वह है उज्बेक सोम। दरअसल उज्बेक सोम एशिया के ही देश उज्बेकिस्तान की करेंसी है और इसकी राजधानी है ताशकंद, और यह देश खास करके मस्जिदों, मकबरों और सिल्क रोड के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ की करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि भारतीय 1 रुपये यहाँ के 127 उज्बेक सोम के बराबर है। और दोस्तों अगर हम बात करें 4थी सबसे कमज़ोर करेंसी के बारे में तो उसका नाम है इंडोनेशियाई रुपया। और दोस्तों जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह इंडोनेशिया देश की करेंसी है, और यह देश भारत के पड़ोसी देशों में से एक है। इसकी राजधानी है जकार्ता। और दोस्तों इंडोनेशिया खास करके 70,000 आइलैंड्स के लिए फेमस है। हालांकि अगर बात करें भारतीय करेंसी के 1 रुपये की तो यह 204 इंडोनेशियाई रुपया के बराबर है। और दोस्तों सबसे कमज़ोर करेंसी के लिस्ट में 3रे नंबर पर है वियतनामी डोंग। दरअसल वियतनामी डोंग साउथ ईस्ट एशिया कंट्री वियतनाम की मुद्रा है
और दोस्तों इस देश की राजधानी है हनोई। और दोस्तों वियतनाम खास करके समुद्री तटों और नदियों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ की करेंसी, यानी कि 304 वियतनामी डोंग भारतीय 1 रुपए के बराबर है। और दोस्तों यही खास वजह है कि इस देश में बहुत सारे भारतीय टूरिस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो करेंसी सबसे कमज़ोर है वो है ईरानी रियाल। और जैसा कि इस करेंसी के नाम से ही पता चल जाता है कि यह ईरान देश की मुद्रा है। इसकी राजधानी है तेहरान। और दोस्तों यहाँ के लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तोमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल एक तोमन का मतलब होता है 10 रियाल। और ऐसे में अगर कोई सामान खरीदने पर 10 तोमन मांगता है तो इसका अर्थ है कि आपको 100 रियाल देने होंगे। और भारतीय 1 रुपया 547 ईरानी रियाल के बराबर है। और दोस्तों फिलहाल दुनिया की सबसे कमजोर और हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर जो करेंसी है उसका नाम है वेनेजुएलियन बोलिवर। और इस मुद्रा को VES के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यह वेनेजुएला देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। और दोस्तों वेनेजुएला खास करके प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथ ही यह देश सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से भी एक है। लेकिन भारतीय 1 रुपया यहाँ के 1570 वेनेजुएलियन बोलिवर के बराबर है। और दोस्तों वेनेजुएला के करेंसी में इसलिए इतनी ज्यादा गिरावट आ गई क्योंकि यहाँ की सरकार ने अमेरिकन डॉलर से लड़ने के लिए पेट्रो नाम की एक क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, लेकिन इस दांव ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों यह थी दुनिया की 10 सबसे कमजोर करेंसी। लेकिन इस वीडियो को आप छोड़कर जाइए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आगे भी मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।